दोस्तों, गिरिनार पर्वत ट्रैकिंग के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे जूनागढ़ शहर से 10 किलोमीटर दूर 100 रुपए में एक ऑटो लेकर हम पहुंचे ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर, और वहां से 9999 सीढ़ियों की एक लंबी यात्रा गिरिनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की तरफ हमने शुरू की। आपको मेरे साथ जाते हुए ऐसा महसूस होगा कि आप मेरे आंखों से गिरिनार पर्वत की खूबसूरती को देख रहे हैं, और मेरे कदमों के साथ कदम से कदम मिलाकर घर में बैठे हुए इस पवित्र पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिनार पर्वत की अपनी यात्रा के भाग दो में आज मैं आपको दत्तात्रेय महाराज के मंदिर तक की पूरी जर्नी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, जो है जैन मंदिर। करीब 4000 कदम की दूरी पर है। रास्ते में आते जाते आपको जो सफ़ेद ड्रेस पहने हुए बहुत सारे जैन साधु नज़र आ रहे थे, वो इस मंदिर के लिए यहाँ पर आते हैं। मैं हैरान हुआ देख करके, इतनी ऊंचाई पर एक धर्मशाला बनाई गई है जो कि जैन धर्मशाला के नाम से है। तो जो यात्री यहाँ आ रहे हैं या जो जैन मुनि यहाँ आते हैं, वो इस धर्मशाला में रुकते होंगे। आउटसाइडर का रुकना अलाउड है, ये बात मैंने पूछ ली। तो अगर आप कभी आए यहाँ और इमरजेंसी में फंस जाए तो इस धर्मशाला में आप रुक सकते हैं। काफ़ी पुराना सा लगता है यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ के बिल्डिंग। अब जैसे आप इसी मंदिर को देखिए, ये टेंपल ऑफ वास्तुपाल है। देखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे एक भेड़ के ऊपर बैठे हुए पर लिखा है कि ये रक्षित स्मारक है। द मोन्यूमेंट इज प्रोटेक्टेड अंडर द गुजरात एनिशियल माउंटेन्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेनिंग 1965। किसी भी तरह का तोड़फोड़ करने वाले को 5000 रुपये का जुर्माना इस रूट से हम लोग इस तरफ बढ़ के आएंगे। लेकिन कुछ मंदिर हैं इस तरफ जो आपको पक्का देखने चाहिए। ये जगह वाकई दर्शनीय है, यानी सीनिक है। कितने खूबसूरत हैं ये जैन मंदिर, ये देखें क्या नज़ारा है। इनका आर्किटेक्चर एकदम अलग है हमारे ट्रेडिशनल मंदिरों से अलग। ब्राइट येलो कलर में पेंट किया हुआ, और ये झंडा तीन रंग में, सफ़ेद के बीच में लाल रंग की पट्टी, अलग ही एहसास कराती है। ऐसा लगता है जैसे पुराने स्ट्रक्चर को लगातार यहाँ तोड़ा जा रहा है और नए स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है। ये खूबसूरत एहसास है, ये खूबसूरत जगह है, और यहाँ होने का एहसास खुद में ही अलग है, एक नया है। देखिए, अलग अलग जगह पे जहाँ भी आप घूम कर देखेंगे आपको हर तरफ नज़र आएंगे मंदिर, मंदिर और मंदिर। ये बहुत खूबसूरत मंदिर बिल्कुल मेरे सामने, एक बड़ी बाउंड्री वॉल के अंदर, अद्भुत नज़ारा, खूबसूरत जगह। हमारी मंजिल ये नहीं है, ये पहला पड़ाव है जहाँ पर हम रुके, और यहाँ से हम अपने दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारी जगह बताई गई हैं जो इस तरफ रास्ते में आएंगी। 3800 सीढ़ियाँ चढ़ने पर 2370 फीट की ऊंचाई पर आपको मिलेगा 16 जैन मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स, जिसमें नेमिनाथ टेम्पल सबसे बड़ा है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ जी ने 700 साल पहले तपस्या करते हुए यहाँ अपना शरीर त्यागा था। इन खूबसूरत मंदिरों को देखने के बाद कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आप पहुँच जाएंगे इस द्वार की तरफ। बहुत ही पुराना लगता है देखने में, हर जगह जगह घास उगी है और पत्थर बता रहा है कि ये काफ़ी वर्षों से है। इस रास्ते से होते हुए आप पहुँचेंगे जैन मुनि के दर्शन के लिए, जो कि स्थित है वहाँ उस चोटी पर। इस बोर्ड पर लिखा है कि ये प्राचीन मंदिर है। 1 मिनट की दूरी पर आप यहाँ से उस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इसमें गुफा भी है जिसमें एक कुदरती पानी का एक चश्मा बहता है। तो आप आए तो इस दर्शन का लाभ जरूर उठाएं। जब आप थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे
देखेंगे तो ऊपर से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। पहला मंदिर, वो दूसरा है, तीसरा है, और वो सबसे प्राचीन मंदिर श्री बंडी महाराज दिगंबर जैन मंदिर की तरफ, जिसका रास्ता उस तरफ से है। अच्छी जगह है, यहाँ आप आए तो इस ठंडी शीतल हवा में थोड़ा वक्त ज़रूर गुजारिए। ऐसी जगह बार बार देखने को नहीं मिलती है। देखिए बर्फ से किस तरह की जगह है, कितनी खूबसूरत है। आप कभी भी आए तो गिरनार पर्वत का ट्रैक फुली रिकमेंडेड। इस वक्त मैं खड़ा हूँ डाइवर्जन पर, यह मंदिर जाता है सहसावन यानी कि सात सावन के नाम से एक मंदिर की तरफ, और बाकी की सब जगह जाने के लिए ये रास्ता है। यहाँ पर गोमुखी गंगा कुंड भी है, जो कि इसी तरह मंजिला बढ़कर उस पार की चोटी बन गई है। अब हम उस पार की चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और नज़ारा यहाँ से और भी सीनिक है। आपको इस नज़ारे को मिस नहीं करना चाहिए। आप देखिए एक बार कितनी खूबसूरत जगह है ये है दोस्तों गोमुखी गंगा। कुछ इस तरह से है नज़ारा अंदर का। हम लोग अभी तो अंदर नहीं जा रहे, एक मंदिर बना है। 2000 सीढ़ियां और चढ़ने के बाद 3300 फीट की ऊंचाई पर अंबा माता का मंदिर आएगा, जहां हिंदू और जैन धर्म के मानने वाले सुखी शादीशुदा जीवन की कामना करते हुए आशीर्वाद लेने आते हैं। ये जैन टेंपल के बाद गोमुखी गंगा, गोमुखी के बाद ये हमारा डेस्टिनेशन सीधे जय अंबा माँ टेम्पल। ये वो टेम्पल है जो एकदम पहाड़ की चोटी पर था, जो नीचे से हमें नज़र आ रहा था। और यहाँ के बाद कहते हैं कि दो मंदिर और हैं, एक मंदिर और आएगा उसके बाद एक और, फिर हम पहुँच चुके होंगे अपनी मंजिल तक। वहाँ से स्टार्ट करेंगे रिटर्न जर्नी। माँ अम्बे मंदिर से जैसे आप क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको दिखेगा ये खूबसूरत नज़ारा जो जा रहा होगा दूसरी मंजिल की तरफ। और अगर मैं आपको बताऊं, हमारी मंजिल है इस पहाड़ी के पीछे वाला पहाड़, वो है दात्रे टेंपल, वो ही है जहां हम जा रहे हैं इस वक्त। तो खूबसूरत नज़ारा है ये, पहले एक पहाड़ पे चढ़िए फिर दूसरे पे चढ़िए और वहाँ से करिए वापसी। यही वो व्यू है जो हमने देखा बहुत सारी फोटोग्राफ्स में। ये देखिए ये ऑरेंज कलर की सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ रही हैं इस पहाड़ के ऊपर तक, और यही है जो हमें लेके जाएगी अगले डेस्टिनेशन पर, जो कि है सेकंड लास्ट प्लेस। ये पहाड़ और उसके ऊपर ये बनी हुई सीढ़ियाँ बहुत खूबसूरत लुक देती हैं। ऐसी जगह होना ही ये खुद में बड़ी बात है। और 2000 कदम चलने के बाद आप पहुँचेंगे गोरखनाथ मंदिर पर। क्लाइंब स्टार्ट हो चुका है, सनसेट होने में थोड़ा ही वक्त बाकी है, पर हमने भी कसम खाई है कि ट्रैक तो पूरा करके जाएंगे। श्रद्धालु गिरिनार पर्वत पूरे साल आते हैं। वो जो मंदिर सबसे नीचे दिख रहा है वो है लास्ट डेस्टिनेशन। यहाँ तक हम 7500 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, 2500 सीढ़ियाँ भी और हैं उस जगह तक जाने के लिए। तो वहाँ जाएंगे गेट पर, वहाँ से सीढ़ियाँ उतर के उस मंदिर में पहुँचेंगे और वहाँ से फिर वापसी होगी। अभी हम पहुँच चुके हैं सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन पर। सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन से अगला डेस्टिनेशन जाने के लिए हमें चढ़ना होगा उस पहाड़ के ऊपर, और वो जो ऊपर दिख रहा है वो है दात्रेदा टेम्पल। ये सारा का सारा एरिया जाना जाता है गिरनार पर्वत के नाम से। तो ये है वो पहाड़ जिसे हमें चढ़ना है, और 2000 सीढ़ियां हैं जो ऊपर तक जाएंगी, जो क्लाइंब है। लोगों का कहना है 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, तो ठीक है, हमने भी कसम खाई है कि ऊपर तो जाकर मानेंगे, ऐसी तो बात बनेगी नहीं। तो क्लाइंब स्टार्ट कर रहे हैं, ये लास्ट पहाड़ी है, एकदम सीधी चढ़ने का मज़ा आएगा दोस्तों। ये है वो मंदिर जो टॉप पे दिख रहा है आपको, वहाँ तक हमें पहुँचना है, और इतना रास्ता भी और है।
जी दोस्तों, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। ये सीढ़ियाँ टर्न करते ही होंगे ऊपर दात्रे मंदिर, और वही है हमारी मंजिल। सूरज छिपने लगा है, अब सूरज नहीं है यहाँ पर, तो करीब करीब हमें अंधेरे में ही वापसी का ट्रैक करना होगा। 10,000 सीढ़ियाँ फिर से हम उतरेंगे, वो भी अंधेरे में। ये है, ये टॉप है, ये क्लाइम करते ही सीढ़ियाँ, और इसके एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पर हमें टेम्पल। ये सीढ़ियां हैं फाइनल, इनको क्लाइम करने के बाद हम पहुंच जाएंगे टेंपल पर। तो मंजिल अभी दूर नहीं है, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, पर सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी, तो इससे पहले कि हम रात में हो परेशान, जल्दी से करते हैं कंप्लीट और निकलते हैं वापसी की तरफ। आने में अगर हमें 5 या 6 घंटे लगे, तो जाने में 3 या 4 घंटे तो लगेंगे, यानी 9 या 10 बजे हम पहुँचेंगे जूनागढ़ वापस। ओके, तो यहाँ के बाद वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नो फोटोग्राफी। तो मैं कमरा कैमरा बंद, और बाहर से एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं कि किस तरह का दिखता है गिरनार महाराज का मंदिर। ओके, सो मिलते हैं इसके बाद, मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाकी डिटेल, किस तरह की जगह है, कैसा है, और यहाँ के नज़ारे तो आप देख ही चुके हैं, किस तरह के व्यू नज़र आते हैं। थोड़ी देर में करेंगे वापसी की जर्नी स्टार्ट, सनसेट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। जय गिरनार, प्रभु के दर्शन हमने कर लिए हैं। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए अंदर का आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन ये बाहर का नज़ारा है, अच्छा लगा, शांत जगह है। अब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। नीचे जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये है कहलाता है आश्रम। इस आश्रम में आप जाकर के प्रसाद ले सकते हैं, मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता, आप चढ़ावा चढ़ाइए, दर्शन कीजिए उनके चरण पादुका के। और अगर मैं प्रभु गिरनार के बारे में आपको बताऊं, तो प्रभु गिरनार में जी ने यहाँ पर तपस्या की थी 14 साल, उनके पांव के निशान यहाँ पर छपे हैं, इसीलिए यहाँ पर मंदिर बनाया गया 2008 में। नीचे जो ये आश्रम नज़र आ रहा है, प्रसाद खाने के लिए आप यहाँ जाइए, प्रसाद खाइए और वापसी कर लीजिए। मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता है अभी, क्योंकि हम लेट हैं, तो शायद प्रसाद खाने के लिए वहाँ पर ना जाएं और सीधे वापसी करें। यहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत है, शाम का वक्त हो चला है, और यहाँ से पर्वत श्रृंखला का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। यहीं पर कालिका का मंदिर भी विराजमान है, जहां अघोरी आकर अपने शरीर को राख से सजाते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी सीढ़ियां हैं जिनको चढ़कर हमें वापस जाना है। ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है अपने राइट हैंड साइड पर, इस पर ढेर सारी सीढ़ियां हैं, और वो जगह है टॉप पर जहाँ मुझे पहुँचना है, उस जगह पर वो है अंबे माँ का मंदिर। उन्हें साथ यहीं पे हो गए, नीचे आए हम प्रसाद खाने के लिए, और उसके बाद आरती शुरू होगी। आरती छोड़ के बीच में निकलने से मना कर दिया हम लोगों को, इसलिए पूरी आरती तक रुकना पड़ा। एज ए रिजल्ट अंधेरा होने लगा, क्या हो ही चुका है, सनसेट हुए काफ़ी देर हो चुकी है, लाइटें ऑन कर दी गई हैं, पर लंबा रास्ता है, सब स्टेयर्स हैं, और बुरी बात यह है कि स्टेयर्स वो स्लिपरी हैं, ऐसे स्लिपरी स्टेयर्स पे थोड़ी सी गलती महंगी पड़ सकती है दोस्तों, और कोई ऑप्शन अभी तो है नहीं, इसलिए 3 घंटे 4 घंटे यानी कि 10:30 बजे तक पहुँचेंगे। आगे जाने का ऑप्शन क्या है नहीं जानते, तो देखते हैं। उम्मीद है आपको मेरे साथ गिरिनार पर्वत की परिक्रमा करके वही सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा जो मुझे हुआ। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। गुजरात सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको जूनागढ़ में एक दिन में घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।